नमस्कार, मैं इंदु निर्मलकर और आप देख रहे हैं भारत सम्मान। रायगढ़ के बरम केला ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है, जहां बिना कोई डिग्री के ही डॉक्टर पदस्थ हैं। आखिरकार ऐसी कुछ दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। एक तरफ जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को हाल ही के दिनों में कड़ी चेतावनी देते हुए जिलों में सक्रिय झोला छाप डॉक्टरों की अवैध क्लिनिकों को बंद कराने को कहा था, तो दूसरी तरफ जिले के स्वास्थ्य विभाग की नजरों में कलेक्टर के आदेश क्या मायने रखते हैं। इसका परिणाम इस बात से मिलता है कि जिले के बरम केला तहसील के ग्राम बोंदा में मुख्य मार्ग पर ही विगत 20 सालों से एक झोला छाप डॉक्टर आज भी बेखौफ अपना क्लिनिक चला रहा है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बीते सप्ताह रायगढ़ जिला प्रशासन ने झोला छाप डॉक्टरों पर पाबंदी लगाने का निर्देश जारी किया था। स्वास्थ्य विभाग की नजरों में प्रशासन का आदेश कोई मायने नहीं रखता है। परिणाम यह है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में संवेदनशील रहे बरम केला नगर पंचायत के गली मोहल्ले और निकटतम ग्रामीणों ने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों झोला छाप डॉक्टर बीते कई सालों से अपना कारोबार बेखौफ चला रहे हैं। इनमें से एक ग्राम पंचायत बोंदा एवं ग्राम पंचायत सलहेआना में देखने को मिला, जहां स्वास्थ्य विभाग के नियम कायदे की अनदेखी करती हुई धड़ल्ले से मुख्य मार्ग पर निजी चिकित्सकीय कार्य संचालित कर रहे हैं। आप क्या MBBS डिग्री धारक हैं? नहीं है। आप ये क्लिनिक कितने वर्षों से संचालित कर रहे हैं और क्या इसके लिए क्या विधिवत अनुमति दी गई है? 20-25 साल हो गया है। क्या इसके लिए विधिवत अनुमति दी गई है? अनुमति दी है, यहाँ RFP रजिस्ट्रेशन नंबर लेके चला रही है। ब्लॉक BMO को इस मामले की जानकारी है? यह जानकारी है ना, गिला तो अभी बंद था, अभी तो दुकान बंद ही था, आज तो त्यौहार के लिए खुला है। तो उनकी जानकारी में है BMO की? यहाँ BMO की जानकारी में है आप क्लिनिक संचालित करते हैं? नहीं, जानकारी नहीं है उसका। जानकारी नहीं है? नहीं। हाँ, BMO गोंदा में निवास करते हैं ऐसा सुनाई में आया है? नहीं, गोंदा का आसपास ही है, बिगमपुरा गाँव है। तो इतने नज़दीक रहते हुए भी अनभिज्ञ हैं वो इस मामले से? हाँ।